नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल हम लोग उसी के स्थापन में लगे हुए थे, तो उसी की वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे, आपके साथ शेयर नहीं कर पाए थे। लेकिन उसी समय कल एक यूएससीआईआरएफ की यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की एक रिपोर्ट आई भारत के ऊपर, जिसमें उन्होंने कुछ बातें कही और उसके ऊपर फिर इंडिया की एमईए की ओर से यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से एक रिस्पॉन्स भी आया, जिसमें इस रिपोर्ट को मैलिशियस और बायस बताया गया। अब ऐसे ही अगर मैलिशियस और बायस बोल देंगे तो नहीं चलेगा, तो उसी के ऊपर हमने कुछ रिसर्च किया और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर हम लोग ये शायद बताने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पर कि यूएससीआईआरएफ की ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर, उसकी कुछ बातों से हम काफी हद तक सहमत हैं। जी हाँ, ये थोड़ा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको हमारे जो व्यूज हैं, ये जो पर्टिकुलर यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट है उसके ऊपर, वो क्लियरली पता चल सके और यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में जो बातें कही गई है वो किस तरह काफी हद तक हकीकत है, तो उसी के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार के एनालिसिस मिलते रहें। साथ ही में यहां पर क्यूआर कोड दिया गया है, तो फाइनेंशियल सपोर्ट करना ना भूलें ताकि इस प्रकार की खबरें और एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लाते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो कल यूएससीआईआरएफ ने एक रिपोर्ट साझा की भारत को लेकर, और उसमें भी खास करके भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता उसको लेकर, उसमें उन्होंने कई बातें कही और उसके ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का भी जो रिस्पांस आया वो भी हमने आपको बताया। लेकिन वो जो पर्टिकुलर बातें हैं जिन बातों से हम सहमत हैं आफ्टर डूइंग सर्टन रिसर्च, वो यहां पर शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि इंडिविजुअल्स आर किल्ड, बीटन एंड लिंच्ड बाय विजिलेंटी ग्रुप्स थ्रू आउट 2024, यानी कि अभी तक 2024 शुरू होने से अब तक कई सारे लोगों को मारा गया है, मार दिया गया है या फिर उनको लिंच किया गया है। जी, इस प्रकार का स्टेटमेंट है उनका सबसे पहला। तो अगर बात करें इसकी तो ये बात कुछ हद तक सही है। हर रोज 3 माइनॉरिटी की लड़कियों को उठाया जाता है, उनके साथ या तो व्याभिचार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है, या फिर उनको कन्वर्ट या फिर दोनों उनके साथ किए जाते हैं। आई एम सॉरी, दिस इज फ्रॉम पाकिस्तान। माइनॉरिटीज को ओपन थ्रेट दिया जाता है और यह कहा जाता है कि या तो आप देश छोड़ दीजिए या फिर कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो हम आप लोगों को मार देंगे। ये सुनकर आपको रालेव गालेव चालेव याद आया होगा, लेकिन फिर से एक बार, दिस इज नॉट इंडिया, दिस इज बांग्लादेश, जहां पर यूएस ने अपने टट्टू को बिठाया। चलिए बात करते हैं भारत की। तो भारत में एक सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी के लीडर ने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, फिर हम बताएंगे कि कौन क्या कर सकता। अफसोस की बात यह है कि वो हाल में खुला घूम रहा है और ऐसे सभी लोग जो इस प्रकार की धमकियां दे चुके हैं वो लोग हाल में फ्री घूम रहे, जो एक ओपन जेनोसाइडल कॉल है भारत के कई सारे लोगों के खिलाफ, जिसमें सिख भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं जो कि मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी में है, पारसीज आ जाते हैं और ऐसी कई सारी ट्राइब्स आ जाती है, कई सारे लोग आ जाते हैं, उनके खिलाफ ऐसा जेनोसाइडल कॉल दिया गया। ऐसे जो भी व्यक्ति वे लोग सोसाइटी में फ्री घूम रहे हैं उनको किसी भी प्रकार की सजा नहीं मिली। तो बात तो सही है कि इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर खतरा है। एक और अगर ऐसा किस्सा देखें तो 9 हज करने वाले लोगों, 9 श्रद्धालुओं को कश्मीर में रियासी में मार दिया गया, एक टारगेटेड अटैक जिसमें 9 हिंदू श्रद्धालुओं को मार दिया गया था क्योंकि वहां पर यात्रा करने गए थे। अब श्रद्धालु यात्रा भी नहीं कर सकते, ये कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है भारत में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसके ऊपर उठाता है। अब ऐसे कई सारे अन्य केसेस हैं, उसमें से कुछ केसेस हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक जगह पर ऐसा हुआ अगस्त 2024 में, जहां पर एक हिंदू लड़की ने एक कंप्लेन फाइल एक विशेष समुदाय के एक व्यक्ति के अगेंस्ट, और उस कंप्लेन में यह कहा कि वो व्यक्ति जो विशेष समुदाय से बिलोंग करता है वो उसको इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा है और परेशान कर रहा है। तो उसके सामने, उस कंप्लेन के सामने उस हिंदू लड़की के घर पे 300 से 400 लोगों की भीड़ पहुंच गई
विशेष समुदाय के लोगों की और उनके ऊपर हमला करने। तो ये एक क्लियर मामला है मॉब लिंचिंग का। तो ये जो USCIRF की रिपोर्ट है उसमें ये जो बात कही गई है कहीं ना कहीं हकीकत है। साथ ही में एक और ऐसा मामला है जहां पर जुलाई 2024 की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया कि दलित की शादी हो रही थी और उसकी बारात जा रही, उस बारात के ऊपर कुछ लोग पथराव कर। अब ये जो पथराव किया गया उसके पीछे का जो रीजन था वो था कि वे लोग बारात में डीजे बजा रहे, इसके लिए दलित समुदाय की लोगों को पत्थर मार दिए गए। क्या ये बात सही, कितनी सही? तो ये एक रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर एक हमला है, क्लियर केस में, जहां पर दलितों के ऊपर हमला किया गया, पत्थर मारे गए बारात के ऊपर सिर्फ इसलिए कि वे लोग डीजे बजा रहे थे। ये किस्सा मेरठ का है। जून 2024 में एक लड़के को मारा गया क्योंकि वो एक बुर्का पहनी हुई लड़की के साथ बात कर रहा था। जी हाँ, एक बुर्का पहनी हुई लड़की के साथ वो बात कर रहा था, इसके लिए उसको एक लोगों की भीड़ ने पीट दिया। और इतना ही नहीं, वो जो लड़की जो कि उसी समुदाय से बिलोंग करती थी उसके साथ भी बदतमीजी की हो, इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये महाराष्ट्र की है। इसके अलावा मई 2024 का एक रिपोर्ट है जहां पर एक सिख व्यक्ति को जो कि एक माइनॉरिटी है उसको मारा गया और उसको वहां से भगा दिया गया, उस जगह से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में एक जगह से, एक एरिया से उसको भगा दिया गया, जस्ट बिकॉज ही वॉज वेयरिंग अ तुलसी माला, वो तुलसी की माला पहन रहा था, इसलिए उसको वहां से एक विशेष समुदाय के कुछ लोगों ने मार कर भगा दिया। और ये बताया कि यहां पर हिंदू अलाउड नहीं है, ये मिनी पाकिस्तान। अब ये जो स्टेटमेंट है ये भी एक रिपोर्ट है, उसमें से हम लोग कोट कर रहे हैं, मई 2024 बिलासपुर छत्तीसगढ़। तो इसी प्रकार से ना ही सिखों को, ना ही दलितों को, ना ही अन्य समाज के लोगों को अपने जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको एक्सरसाइज करने का मौका दिया जा रहा है। उन लोगों के ऊपर धर्म के डिफरेंसेस की वजह से हमले किए गए, उनको मारा गया, उनके ऊपर पथराव किए गए। तो ऐसी चार ये घटनाएं हैं। इसके अलावा कई सारी घटनाएं हैं जहां पर मॉब लिंचिंग का मामला क्लियर केसेस में दिखाई पड़ता है, साथ ही में हेट स्पीच का मामला भी कई सारी जगहों पर दिखाई पड़ता है। तो USCIRF की रिपोर्ट में ये जो पर्टिकुलर बात कही गई है जहां पर उन्होंने ये बताया कि इंडिविजुअल्स किल्ड, बीटन एंड लिंच्ड बाय विजिलेंटी ग्रुप्स इन इंडिया, इससे काफी हद तक हम लोग सहमत। भारत में इस प्रकार के हमले रेगुलर बेसिस पर होते हैं, तो उसकी वजह से भारत में जो धार्मिक स्वतंत्रता वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर हमला होता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इलीगल क्रैकडाउन करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसा दिखाई पड़ता है। तो USCIRF की रिपोर्ट में ये जो पर्टिकुलर बात की गई है उससे हम लोग कुछ हद तक सहमत है। साथ ही में उसमें ये भी कहा गया कि जो रिलीजियस लीडर्स हैं उन लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है। तो बात तो ये भी सही है, जहां पर एक व्यक्ति, एक धर्म गुरु या फिर कहें एक स्पिरिचुअल गुरु कुछ लोगों को उनकी इच्छा के अनुसार संन्यास दिलवा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जो मंदिर है उनको सरकार के अधीन ना रखा जाए, उनको फ्री किया जाए, जिस तरह से बाकी धर्म के जो प्लेसेस हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप्स हैं, वो फ्री है, वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, उसी तरह से मंदिरों को भी फ्री किया जाए गवर्नमेंट कंट्रोल से। सिर्फ इतना कहने के लिए उनके वहां पर 150 पुलिस वाले भेजकर उनको अरेस्ट कर लिया। तो इस प्रकार का रिलीजियस लीडर के ऊपर हमला और उनको आर्बिट्रेरीली अरेस्ट करना सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से, लीगल रीजंस की वजह से नहीं, ये जो पर्टिकुलर वर्ड है आर्बिट्री अरेस्ट, वो पर्टिकुलर वर्ड उसका मीनिंग होता है कि ड्यू टू पर्सनल रीजंस और पर्सनल बायस और पर्सनल फीलिंग। तो पर्सनल रीजंस की वजह से उनको बस उनको ये फील हुआ कि इस प्रकार की वो एक्टिविटी कर रहे हैं लोगों की इच्छा के खिलाफ जाकर, उसके चलते उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो USCIRF की रिपोर्ट में ये जो पर्टिकुलर रिलीजियस लीडर की बात कही गई है उसके साथ भी हम कुछ हद तक सहमत हैं। तीसरी अगर बात करें तो उसमें ये भी कहा गया है कि कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हेट स्पीच के चलते लोगों को भड़काते हैं और अन्य धर्म के लोगों के खिलाफ हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये बात भी कुछ हद तक सही है। कुछ लीडर्स ऐसे हैं जिन्होंने खुद ये कहा है कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे पूरे भारत में क्या होगा, कैसे होगा एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बाद में वो फ्री घूम रहा है। तो दैट इज द ह्यूज क्वेश्चन मार्क ऑन आवर ज्यूडिशियल सिस्टम एज वेल। तो उसी के चलते ये भी जो बात है वो कुछ हद तक
हम लोग इसके भी समर्थन में है कि ये जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई छिपी हुई है कि भारत में ऐसे लोगों को फ्री हैंड मिल जाता है कुछ भी करने के लिए, कुछ भी एक्टिविटीज, कुछ भी बयान देने के लिए, और लोग अनर्गल बयान देकर भड़काने के लिए। चौथी और अगर आखिरी बात कहें जो इस रिपोर्ट में, यूएससीआईआरएफ की इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में दी गई है, जिसके साथ काफी हद तक हम लोग सहमत हैं, तो वो बात है कि ऐसा लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है जिससे रिलीजियस माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाए और उन लोगों को समाज से अलग किया जाए। तो बात तो सही है कि ऐसे जो भी लोग हैं जो छल कपट करके अपना नाम बदल लोगों के खाने में थूकते हैं या मूकते हैं, ऐसे लोगों को कंपल्शन नहीं डालना चाहिए कि वे लोग अपनी जो असली आइडेंटिटी है वो रिवील करें। अगर कर देंगे तो फिर वे लोग अपना जो हराम से हलाल करने का प्रोसेस है, थूक कर, मूंद कर या फिर वॉट एवर, वो कैसे करते हैं? तो उनकी जो रिलीजियस बिलीफ है उसको रोका जा रहा है इस प्रकार के कायदे बनाकर, साथ ही में एंटी कन्वर्जन लॉ बनाकर, जो लोग राइस बैग देकर, पैसे देकर, तलवार की नोक पर या फिर बरगला के या फिर झूठ बोलकर अपनी आइडेंटिटी को छुपा के लोगों को फोर्सफुली कन्वर्ट करवाते हैं या फिर छल करके कन्वर्ट करवाते हैं या फिर उनकी मजबूरी का फायदा लेकर कन्वर्ट करवाते हैं, उसके अगेंस्ट में ये जो कायदे एंटी कन्वर्जन लॉज बनाए गए हैं वो काफी ही गलत हैं, क्योंकि भारत में हिंदुओं की संख्या जो है उसके सामने दूसरी जो माइनॉरिटीज है उनकी संख्या कितनी कम है। उनको अपनी आवाज उठाने का तो कोई हक मिलता ही नहीं, उनके कोई भी लीडर्स पार्लियामेंट में नहीं है, उनकी कोई भी बात सुनी नहीं जाती है, उनके कोई भी स्टेटमेंट्स मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते हैं। तो उसी के चलते ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ है वो भी भारत की रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ, तो ये बात भी उनकी कुछ हद तक सही है कि भारत में लीगल फ्रेमवर्क ऐसा बनाया गया कि जो लोग गलत कर रहे हैं या हराम से हलाल कर रहे हैं या फिर राइस बैग देकर कन्वर्ट करवा रहे हैं, चलिए कुछ जरूरतमंद लोगों की जरूरत का, उनकी मजबूरी का फायदा उठा उनको कन्वर्ट करवा रहे हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करवा रहे हैं या छल करके कन्वर्ट करवा उनको रोका जा रहा है। तो ये जो रिलीजियस फ्रीडम है उसको ये एंटी कन्वर्जन लॉ रोक देता है। ऐसे कायदे लाए गए हैं, ऐसे नियम लाए गए हैं, तो उसके चलते ये जो लीगल फ्रेमवर्क वाली बात इसमें यूएससीआईआरएफ की रिपोर्ट में दी गई है वो भी कुछ हद तक सही है कि भारत में ऐसी चीजें की जा रही हैं भारत की सरकार द्वारा, कि ये जो कन्वर्जन एक्टिविटीज हैं जो बहुत ही तेजी से होनी चाहिए थी और पूरा भारत अभी तक हिंदुओं से मुक्त हो जाना चाहिए, सनातन से मुक्त हो जाना चाहिए, ट्राइबल से मुक्त हो जाना चाहिए था, बुद्धिस्ट से मुक्त हो जाना चाहिए था, जैनों से मुक्त हो जाना चाहिए था, सिखों से मुक्त हो जाना चाहिए था, पारसी से मुक्त हो जाना चाहिए था, या तो ये पूरा क्रिश्चियन बन जाता या तो फिर पूरा ये विशेष समुदाय बन जाता। वो इस एंटी कन्वर्जन लॉ के चलते नहीं हो पाएगा, वो और भी स्लो हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी हर्डल है जो ग्लोबल एलीट्स हैं, जो ग्लोबलिस्ट हैं, जो डीप स्टेट है, जो सीक्रेट सोसाइटी है, या फिर ऐसे जो भी लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते, उनके लिए ऐसे जो लॉज वो काफी ही हानिकारक हैं। तो उसी के चलते ये जो पर्टिकुलर लॉज की बात की गई है, लीगल फ्रेमवर्क की बात, उसके साथ भी हम कुछ हद तक यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट के साथ सहमत हैं कि ऐसे लॉज लाकर भारत की जो डेमोग्राफी है उसको चेंज करने में बाधा बन रही है, बाधाएं खड़ी कर रही। तो ये थी कुछ बातें जिसके चलते यूएससीआईआरएफ यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डालने के लिए यूएस सलाह दी है। तो इनकी कुछ बातों से हम सहमत हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। आपको क्या लगता है कि क्या इनकी बातें सही हैं, ये हम कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको जो भी हम लोगों ने रिसर्च आपके साथ प्रेजेंट किया वो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बहुत ही जल्द ये यूएससीआईआरएफ की हम लोग चड्डी उतारने वाले हैं। तो बने रहे हैं हमारे साथ। साथ ही में यहां पर जो क्यूआर कोड दिया है उसको स्कैन करके फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार की रिपोर्ट्स और एनालिसिस हम आप लोगों के लिए लाते रहें। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।